या भगवान, कोई नहीं दिखाई देता है। अच्छा ठीक है, अपने मैं भाभी जी को बुलाऊं, शायद तो भी घर में कोई काम करती होगी, ऐसा ना हो कि नाराज ना हो जाए। ए भाभी, क्या है क्या है? तो बड़ी जोरों से है प्यास मेरे लगी, बड़ी जोरों जाता चले जा। और मेरा इस घड़ी मेरी भाभी जी पानी पिला दीजिए, सूखा जाता। तो नौकरानी मैं तेरी नहीं हूं, सुन लीजिए ध्यान से, बैठे बैठे हुकूमत और चलाना नहीं, और पानी देने वाली मैं कभी नहीं। पर क्यों घोड़े चलाती हो मेरी मेरी अलधी पहल पर क्यों घोड़े चलाती हो? पता क्या हो गई इस बेजोए से ये चुंधाती हो? क्या है? एक बात कर, देख मेरी बहन को क्यों मार रही है? मैं इसकी नौकरानी नहीं, मैं इसको पानी नहीं दूंगी। चुप, तू जानती है हमारी बहन बचपन से अंधी है, दोनों आंख की अंधी है, कोई काम बहन को पड़ता है तो काम क्यों नहीं करती है? मैं कभी नहीं करने वाली हूँ इसके लिए। क्या मेरे बहन को एक लोटा पानी नहीं दे सकती? कभी नहीं दे सकती। तो तू इस खन में बैठ के करेगी क्या? खाऊंगी रहूंगी और क्या करूंगी? बात जान लियो, मारो ना रहे तो बाद में बहुत पछताओ। क्या पछताएंगे? मैं चली जाऊंगी अपने नैहर। निकल जा और कभी नहीं आऊंगी। निकल जा, जब मेरे बहन को तू पानी नहीं दे सकती है तो घर में बैठ के तू रोटियां तोड़ेगी। बिल्कुल ये बात है, जाए तो है ही बेड़िनिया का ले लियो रहे हो, और हमरे लगे आये हो ना हुआ नैहर मैंने तुहार साली कहे की बहुत परेशान कर दिया। औरत जानती है हमारी औरत कि हमारी बहन बचपन की अंधी है, एक लोटा पानी मांगने पर पानी नहीं देती है, ऐसी औरत को पाल के क्या करना है? बहन बहन गलती को क्षमा करना, हमारी औरत है ही ऐसी जो आपके काम को नहीं सुनती है। बहन एक काम करो, घर में बैठते बैठते बहुत भोर हो चुकी हो, सोचता हूँ कि कहीं दूर चल के मेला घुमा लाएं और घूम टहर लोगी तो बहन आपका दिल बहल जाएगा। हरी वो जमी गगन के मालिक और मुझे आसरा है तेरा, तेरा ओ जमी गगन। ओ जमी गगन के मालिक और मुझे आसरा है तेरा, तेरा ओ जमी गगन। Thank you.
बहन क्या है भैया? बहन यही जंगल पार करते ही मेला आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत भारी जंगल है। मुझे थोड़ा प्यास लगा है बहन, मेरे अंदाज से आपको भी प्यास लगा होगा। अच्छा लगा है? हाँ भैया। ठीक है बहन, अगर तुम्हारे को प्यास लगा है तो मैं पानी कहीं ना कहीं से लाऊंगा, लेकिन बहन जब तक मैं पानी लेकर ना आऊं तब तक यहाँ से कहीं मत जाना। ठीक है भैया, मैं आपका ही इंतजार करूंगी। ठीक है। या भगवान क्या करूं, बहुत मजबूर हूं, क्योंकि हमारी बहन दोनों आग की अंधी है, इसलिए बहन की कहीं शादी भी नहीं होता है। मैं बहुत मजबूर हूं, उधर पत्नी को घर से निकाल देता हूं तो मेरा जीवन साथी छूट जाता है। सोचता हूं बहन को पानी लाने के बहाने इसी जंगल में छोड़ के चले जाता हूं। देखता हूं मेरी बहन का नसीब कहां तक ले जाता है। बहन थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी पानी लेके आता हूं, और जब तक पानी ना लाऊं तब तक यहां से मत कहीं जाना। ठीक है भैया जाओ। ठीक है बहन, मैं पानी लेके आ रहा हूं। या भगवान, मेरे भाई साहब गए हैं पानी लाने के लिए। ठीक है, इसी जगह पर इंतजार करती हूँ। वो कह गए बहुत जल्दी मैं वापस आऊंगा। और भोलेनाथ शिव शंकर ये दुख हमारा हरा भगवान। मैं तो चलते चलते बहुत दूर आ गया हूं, इस जंगल में आ गया हूं। मैं चलूं? या भगवान, यहां किसी की आहट आ रही है, कोई आया है? भैया भैया पानी लाए ना। लाइए भैया, बहुत जोर से प्यास लगी। भैया कहते कि मैं वापस आऊंगा बहुत। ये तो भैया कह रही है, लगता है इस बियाबान जंगल में ये लड़की की आवाज आ रही है। मैं जरूर पूछूंगा इससे कि ये कहाँ की रहने वाली है, इसका नाम क्या है। मैं जरूर पूछ के तब यहां से जाऊंगा। ऐ मिर्गी नैनी कौन हो, क्या है और यहाँ किस लिए आ गई, कहाँ तुम्हारा। अरे हुआ घर जंगल तेरा कहते
देवी जी, इस बियाबान जंगल में इतनी रात को तुम यहाँ अकेली कैसे बैठी हो? कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है? आप बताइए। नाम मेरी है शांति, हरे बाबू जी लो जान, और रहती हूँ मैं अपने गांव में आए तेरे सहे। बाबू जी बोलो क्या बात? सुनिए मैं बताती हूँ। बताइए ना। अरे सुनाती हूँ मैं आप से सब कहानी, सुनाती हूँ मैं आप। सुनाती हूँ मैं आप से सब कहानी, हुई मेरे गया मेरा भाई छोड़ मुझसे एक गया मेरा भाई छोड़। और किया तेरा भाई ने तुमको किनारा, और किया तेरा क्या है? आपका नाम? शांति है। शांति है जी हाँ। क्या तेरे आंखों से दिखाई नहीं देता है? बाबूजी वही तो मैं बता रही हूँ कि हमारे आंखों से जन्मों जन्म से नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरा भाई मुझसे कहा कि अरे बहन चलो मैं तुम्हें गंगा स्नान करवा लाऊं, मेला दिखा लाऊं, और इसी जगह पर बैठा कर चला गया कि बहन इसी जगह पर बैठो और मैं जा रहा हूँ, पानी लाने के लिए भी नहीं आया। अभी तेरा भाई तुम्हें छोड़कर यहाँ गया, वो नहीं आया? जी हाँ। तेरा भाई कितना बड़ा वो बेवकूफ है जो आपको यहाँ छोड़कर जंगल में वो चला गया। लेकिन शांति क्या है? अगर तुम्हें इतराज ना हो तो क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? क्या कह सकते हो? शांति मैं भी एक मुसीबत का मारा इंसान हूं, मैं इधर उधर दर बदर की ठोकरें खाता हूं, मेरे पास कोई नहीं है। अगर तुम्हें इतराज ना हो तो मैं तेरा हाथ थाम लूं, तो क्या तुम उसे इनकार तो नहीं करोगी? अरे बाबूजी कैसी बात आप करते हैं, देखिए आप वैसे मुसीबत के मारे हुए हैं और मेरे आंखों से दिखाई नहीं देता, आप कहते हैं मेरा हाथ थामने के लिए, तो एक दूसरा मुसीबत अपने सर पर रखोगे? शांति मैं अपना मुसीबत छोड़ देता हूँ, लेकिन आपका ये मुसीबत देकर मुझे सहनशील और बर्दाश्त नहीं है कि मैं कैसे सहनशील कर लूं और कैसे बर्दाश्त कर लूं। शांति मैं अपना मुसीबत छोड़कर तुम्हारा मुसीबत मैं अपने सर पर उठा लेता हूँ। बोलो तुम्हें इतराज ना हो तो मैं आपका हाथ थाम लूं। ठीक है, जब आपको मंजूर है ये बात तो बाबूजी हमें भी मंजूर है, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा हाथ पकड़ कर ले जाओ इधर, जैसे मेरा भाई यहाँ पर बैठा गया है उसी तरीके से तुम भी ले जाओ कहीं बैठा कर और चले जाओ। शांति तुम्हारे जैसा मैं वो मर्द नहीं हूँ कि जब मैं आपका हाथ छोड़ूंगा तो मैं वादा करता हूँ भगवान की कसम खाता हूँ, मैं आपका हाथ जब पकड़ूंगा तो मैं आपका हाथ कभी छोड़ूंगा नहीं।
छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, आप भगवान भोलेनाथ की कसम खाया है। मैं भोलेनाथ की कसम खाया हूँ कि मैं आपका हाथ कभी जीवन में नहीं छोड़ूंगा। तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए बाबूजी। पहले आप मेरा हाथ थामिए, उसके बाद बताऊंगी। आपने भोलेनाथ का कसम खाया है और मैं भी आपके सामने कसम खाती हूँ। तारा कुछ दूर गिराता जिंदगी तेरे दरबार में प्रभु खाती कसम। चाहे सरयार मुझको और पड़े मुश्किलें, चाहे जाना पड़े मुझको मुल के अदम। चाहे सरयार देखिए क्या है। आपने भगवान भोलेनाथ का कसम खाया, मैं भी खा रही हूँ कि मैं आपके साथ जीते हंसते सोचे जागते रहूंगी, और चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। वारे शांति, मैं भी भोलेनाथ की कसम खा लिया हूँ, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन बाबूजी क्या बात, मैं आपको तो देखती नहीं हूँ कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं हमें। शांति देखो, मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। हमारी आप की जोड़ी प्रभु ने मिला है। हमारी आप की जोड़ी प्रभु ने मिला है। देख लो धूप वहां पे वहां क्या है। देख लो धूप वहां पे। बोलो। भगवान ने बड़ी मुश्किल से ये जोड़ी मिलाई है। हाँ हाँ ठीक है, चलो इस बात शांति खुशी है ऐसा तुम्हारे। चलो शांति। और जन्म जन्म का साथ गए हमारा तुम्हारा तुम्हारा।